आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ओप्पो फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है, प्ले स्टोर खुल नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। अब सेटिंग में आने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये ऐप मैनेजमेंट आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर अब इसे ऐप मैनेजमेंट ओपन करने के बाद नीचे आइए। अब नीचे आने पर प्ले स्टोर आएगा, तो ये आपको मिलेगा नीचे आकर ये गूगल प्ले स्टोर के नाम से इस तरीके से। तो गूगल प्ले स्टोर पे आप क्लिक करिए, उसके बाद ऐसा पेज आएगा। या फिर यहाँ पे आने के लिए प्ले स्टोर के आइकन पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करिए। अब यहाँ पे ये ऐप इन्फो आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। तो ये जो आइकन आएगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं। अब आपको मिलेगा ये फोर्स स्टॉप, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे फिर से फोर्स स्टॉप आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। अब नीचे ये स्टोरेज आएगा या फिर स्टोरेज यूसेज आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। अब आएगा नीचे ये क्लियर कैशे, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर क्लियर डेटा आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब ये डिलीट आएगा, डिलीट पर क्लिक करिए। और ये करने से कोई आपका डेटा या फिर आपके फ़ोन से कुछ डिलीट नहीं होता है। तो ये करने के बाद बैक आइए। उसके बाद डेटा यूसेज आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब नीचे आपका आएगा ये डिसेबल मोबाइल डेटा, डिसेबल वाईफाई। अगर आपके ये दोनों ऑन हैं तो इन दोनों को बंद करिए। अब ये दोनों बंद करने के बाद बैक आ जाइए। उसके बाद अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए या फिर अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए। और ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद चेक करिए, अब आपके ओप्पो फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अभी ओपन हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।